जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को बचाने का काम करता है। तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने सबसे पहला नाम लिया था जेड इफेक्टिव, जिसको हमने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये जो फैक्टर हमने बनाया था जेड इफेक्टिव, और उसके साथ एक और नाम लिया था सिग्मा, सिग्मा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे शील्डिंग से, यानी कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों की वजह से लगने वाला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन, जिसको हमने नाम दिया था शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग। वो जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को बचाने का काम करता है, शील्ड करता है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और न्यूक्लियस का लगने वाला फाइनल अट्रैक्शन कहलाता है जेड इफेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम जो आया है वो है रेडियस का। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो उन्हीं में से सबसे पहला पॉइंट आया है जिसको हमने नाम दिया है एटॉमिक रेडियस। अलग अलग टाइप की रेडियस हो सकती है, जिसको अलग अलग टाइप डिवाइड किया है, नाम दिया है कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटलिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। डिपेंड करेगा कौन से टाइप का हमने बॉन्ड फॉर्म किया है, उसके हिसाब से रेडियस को क्लासिफाई किया जाएगा। तो डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है जहां पर रेडियस की बात कर रहे हैं। रेडियस निकालने का तरीका, जैसा कि हम जानते हैं एटम जो है वो स्फेरिकल है, सेंटर पार्ट में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और बाहर की तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम नाम देते हैं रेडियस। पर ये जो तरीका हमने यहाँ पर बताया ये एक आइसोलेटेड एटम के लिए काम में लिया जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि एटम जो है वो आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं पाए जाते। कोई भी जो एटम है वो बॉन्डेड स्टेट में होगा, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एटम है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नॉन मेटल है तो वो बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, अगर मेटल्स है वो बनाएंगे मेटलिक बॉन्ड, एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो वो बनाएंगे आयनिक बॉन्ड, और वो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस उनके लिए निकलता है वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड है और उन्हीं के बेसिस पर रेडियस निकाली जाती है, इसलिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नाम दिया है रेडियस को। यहां पर जो दिक्कत थी, पहली बात एटम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं पाए जाते, दूसरी बात उनके अंदर डुअल बिहेवियर की टेंडेंसी होती है। डुअल बिहेवियर में एक तो आता है पार्टिकल नेचर और एक आता है वेव नेचर। पार्टिकल की तरह बिहेव करें तो एटम एक जगह पर होगा, पर अगर वेव की तरह बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह मूवमेंट कर रहा है तो वो कुछ इस तरह से जो है अपना प्रोपगेशन शो करेगा, और अगर ऐसा कुछ प्रोपगेशन उसने दिखाया तो उसकी वजह से हम कह पाएंगे कि उसके लिए फिक्स पोजीशन आप नहीं निकाल पाओगे। इसी वजह से एटम को आइसोलेटेड स्टेट में रेडियस के लिए प्रीफर नहीं किया जाता। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, नाम है हाइजेनबर्ग। अगर उसका मोमेंटम और पोजीशन जो है वो सर्टेन नहीं है तो हम एक्जेक्टली लोकेट ही नहीं कर पाएंगे कि वो एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, इसलिए एटम का रेडियस इस तरह से नहीं निकाला जाता। और एटम का रेडियस निकालने के लिए हम प्रीफर करते हैं उसके बॉन्ड को, कि उसने कौन से टाइप का बॉन्ड बनाया है और उसी के हिसाब से रेडियस को जो है निकालना होता है। चलिए बात करते हैं अलग अलग टाइप की। सबसे पहला नाम दिया गया कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग किस तरह से इंडिकेट की, दो एटम कंबाइन हुए और उन्होंने कंबाइन करके जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, और इस तरह से जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं बीच वाले पार्ट में उसको हमने ओवरलैप रीजन कहा, और इसमें बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब देखो क्या क्या है, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी नाम होते हैं, पहला बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड बन गए एक सिंगल और साथ में डबल बॉन्ड भी है उसके अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल जब सिग्मा बॉन्ड बना तो सिर्फ सिग्मा था, डबल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बना एक सिग्मा दूसरा पाई और तीसरा पाई है, तो सिंगल डबल और ट्रिपल इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। सबसे पहला बॉन्ड अगर एक ही बॉन्ड बना एटम पास आए ओवरलैपिंग हो गई, डबल बॉन्ड बना तो उनके बीच बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी और नजदीक आ गए, ट्रिपल बॉन्ड बना बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी और नजदीक आ गए, जितना ज्यादा नजदीक आते जाएंगे उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, रेडियस निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि हम सिंगल बॉन्ड से रेडियस फाइंड आउट करें। इसी वजह से जो रेडियस निकल के आती है उसको नाम दिया जाता है SBCR, फुल फॉर्म सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए रेडियस की कैलकुलेशन की जा रही है। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बना होता है, जैसा कि यहां पर इंडिकेट हुआ, मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है, नजदीक आ जाते हैं, बॉन्ड बनता है। जैसा कि आप बॉन्डिंग में सीखेंगे जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी कम होता है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना कम होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उस टाइम पर अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है, और जब बॉन्ड बनता है तो वो इक्विलिब्रियम टाइप की कंडीशन है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आगे बात करते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हिसाब से उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। दो एटम लिए गए, ये फर्स्ट एटम है ये सेकंड एटम, इसको नाम दे दिया ए, इसको भी नाम दे दिया ए, ये रहे उनके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में जो एक लाइन हम यहां पर खींच रहे हैं इस बीच वाली डिस्टेंस को एक नाम दिया जाता है, दिस वन इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और जब हम इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो यहां से जो टर्म निकल के आती है उसको नाम दिया जाता है रेडियस। देखो किस तरह से बताया, रेडियस निकालना है पहले का रेडियस और दूसरे का रेडियस, जब दोनों को ऐड किया तो बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गई, और अगर रेडियस निकालना है तो ये 2RA के बराबर हुआ, और RA इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहें, या फिर इसी को हमने एक और नाम दिया था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब दोनों एटम कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुके हो उस टाइम पर उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उसका जो हाफ होता है वही चीज कहलाती है रेडियस। ये होमोडायटोमिक के लिए हमने फॉर्मुला बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन भी यहाँ पर बताई गई है, कहा है क्लोरीन के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल का बना हुआ मॉलिक्यूल है, दोनों क्लोरीन आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कहा गया Cl2 मॉलिक्यूल के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो था दिस वन इज IND, ये था 1.98, तो इसका रेडियस, तो रेडियस जो कि हम जानते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, 1.98 डिवाइडेड बाय 2 दिस वन इज 0.99। एक सीधा सा फॉर्मुला है जहां से रेडियस निकालनी होती है, हर एक टाइप की रेडियस के लिए फॉर्मुला यही अप्लाई होना है, बस डिपेंड करेगा रेडियस छोटा है या बड़ा है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है अभी, उसके अकॉर्डिंग रेडियस अलग अलग टाइप की आ सकती है, बाकी फॉर्मुला यही हमें काम में लेना होता है। इसके अलावा दूसरा नाम देखो क्या, अगर होमोडायटोमिक था आपने सीधा निकाल लिया, अगर हेट्रोडायटोमिक है तो थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, एक एटम का साइज छोटा है और एक एटम का साइज बड़ा है। अब अगर यहां पर मैं रेडियस उसी तरीके से निकालना चाहूं जैसे मैं पहले निकाल रहा था तो थोड़ा सा डिफरेंस यहां क्रिएट होगा कि जब आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने जाएंगे तो एक का रेडियस थोड़ा बड़ा और एक का रेडियस थोड़ा छोटा आएगा। इसी वजह से इस फॉर्मुले को मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद जो फॉर्मुला बनकर आता है DAB = RA + RB - 0.09 ΔN। पहले तक RA और RB से ही काम चल गया था क्योंकि दोनों एटम सेम थे। अच्छा, अगर दोनों एटम सेम होंगे तो उनके बीच में ईएन डिफरेंस ही नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर मुझे डेल्टा ईएन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर डेल्टा ईएन मतलब दोनों के बीच ईएन का डिफरेंस खत्म हो गया, डेल्टा ईएन जीरो होते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, दोनों एटम सेम है, ये RA तो ये भी RA, दैट इज 2RA, 2RA = बॉन्ड लेंथ, तो RA = बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला तो वही है, बस यहां पर ईएन का डिफरेंस आया। क्यों आया जरा इसको भी समझे, जब दोनों एटम अलग अलग होंगे तो एक एटम छोटा है एक एटम बड़ा है, किसी के खींचने की पावर ज्यादा और किसी के खींचने की पावर कम है, जिसके खींचने की पावर ज्यादा है
इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन जिसके नजदीक जाएंगे वहां डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव और दूसरी तरफ डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से दोनों नजदीक आएंगे और अगर नजदीक आएंगे तो उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, इसी वजह से ये डेल्टा ईएन वाले फैक्टर को माइनस करना होता है क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और यही वाला फैक्टर हमने यहां काम में लिया, इसलिए जो फाइनल फॉर्मूला बनकर आता है हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है आर ए मतलब की रेडियस ऑफ ए प्लस आर बी मतलब रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा ईएन, तो डेल्टा ईएन का डिफरेंस हेटरोडायटॉमिक के लिए और बिना डेल्टा ईएन के लिए होमोडायटॉमिक से, तो ये इस तरह से फॉर्मूले को काम में लेते हुए हम एटम्स के बीच का रेडियस निकाल रहे थे, ये था कोवेलेंट बॉन्ड और जो रेडियस निकल गया उसको हमने नाम दिया था कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट वन, अगला नाम जो आया है वो है मेटलिक या फिर क्रिस्टल रेडियस, मेटल्स जब कंबाइन होंगे तो वो कंबाइन करके मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मेटल्स किस तरह से कंबाइन होते हैं, दोनों जो है मेटल जो है वो आपस में जुड़े और उन्होंने कंबाइन करके ये मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, अब मेटल्स की वजह से यहां पर मेटलिक बॉन्ड बना हुआ है, ये मेटल क्रिस्टल होता है जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं और इस तरह से जो है ये रेडियस का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने। आप पहले वाले बॉन्ड और इसमें अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा अंतर ये आएगा, ये सिर्फ टच किए हुए हैं जबकि जो पहले वाला बॉन्ड था कोवेलेंट उसमें ओवरलैपिंग हुई थी, तो अगर टच किए हुए होंगे तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा और ओवरलैपिंग होने की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो कोवेलेंट रेडियस है अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से छोटा होता है और मेटलिक रेडियस अट्रैक्शन थोड़ा वीक है इसीलिए बड़ा होता है। रेडियस निकालने का तरीका जैसा कि हम अभी सीख कर आए हैं, दोनों एटम को कंबाइन करना है और उनके बीच की डिस्टेंस निकाली है, ये फर्स्ट एटम ये सेकंड एटम दोनों के न्यूक्लियस और उनके बीच का डिस्टेंस जिसको हम नाम देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और जब आप इसका हाफ करेंगे तो ये वाली टर्म जो यहां पर रिप्रेजेंट हुई है उसी को हम नाम देंगे रेडियस, सेम डेफिनेशन हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है एटॉमिक रेडियस, मेटलिक बॉन्ड बना है मेटलिक रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड बना था कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट वन, मेटलिक बॉन्ड के लिए हम कहेंगे कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं टच किया हुआ है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसलिए डिस्टेंस ज्यादा निकलेगा, मेटलिक रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू कोवेलेंट, और स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ कंपेयर करने की बात करें तो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट है, ओवरलैपिंग होने की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मेटलिक रेडियस मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्स, ये क्यों कहा गया, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एटम एक दूसरे के उतना नजदीक जाएंगे और नजदीक जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि डिस्टेंस कम हुई और डिस्टेंस के कम होने की वजह से उनके बीच का जो रेडियस है वो कम होगा, तो स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उसका रेडियस उतना ही कम हो जाएगा, मेटलिक रेडियस के बारे में था। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं, अगला जो टाइप हम बना रहे हैं उसको हमने नाम दिया है वंडरवॉल रेडियस। अच्छा, ये वंडरवॉल बॉन्ड जैसा कि पहले हमने बोला वंडरवॉल बॉन्ड बनता है उनके लिए जिन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, एग्जांपल वही आया, इनर्ट गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल होने का लॉजिक क्योंकि उनका क्या कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, और जिसका ऑक्टेट हो चुका उसे हम कहेंगे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए काफी वीक टाइप का फोर्स फील करते हैं और जिस जब ये वीक फोर्स फील कर रहे होते हैं उसी कंडीशन में इस रेडियस को निकाला जाता है। तरीका वही, जब वो बॉन्ड बना लेंगे हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वही रेडियस कहलाएगा। दो आइटम है, पहला आइटम ले लिया इनर्ट गैस का, दूसरा आइटम ले लिया, पहले केस में देखा था ओवरलैपिंग हुई थी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, दूसरे केस में टच किया था बॉन्ड थोड़ा वीक हुआ, अब तो इतना वीक है कि आइटम एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्डिंग वीक होगी पर रेडियस का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। ये पहले का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम नाम देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका जब आप हाफ करोगे तो यहां से जो रेडियस निकल के आएगी उसी को हम नाम देंगे वंडरवॉल रेडियस। नेक्स्ट वन, इनर्ट गैस में सिर्फ वंडरवॉल अट्रैक्शन है क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड उसी के अंदर बनता है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, और नॉन मेटल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नॉन मेटल का मॉलिक्यूल लेने से मतलब क्या रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, अच्छा क्लोरीन जब था तो उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अगला क्लोरीन आया उसके पास भी 7 थे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों ने कंबाइन करके बॉन्ड बनाया और शेयरिंग हुई, पूछा जाए कौन सा बॉन्ड बना, कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना के Cl2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, अब उसे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, पर अगर फिर भी कहा जाए कि Cl2 और Cl2 को जोड़ना है क्या कहेंगे, Cl2 का मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, कोई भी ईएन का डिफरेंस नहीं होने की वजह से Cl2 मॉलिक्यूल रहेगा नॉन पोलर, अगला Cl2 आएगा नॉन पोलर, ये पहला Cl2 अगला Cl2, क्लोरीन जब कंबाइन हुए हैं तो फिर से वही बात, Cl और Cl ने कंबाइन करके ओवरलैपिंग की है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, अगर इसको हाफ करके आप यहां से रेडियस निकालेंगे कौन सा वाला रेडियस निकल के आया, कोवेलेंट रेडियस, अगले Cl2 के अंदर बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस, पर अगर मैं बात करूं कि इन दोनों Cl2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है, अब अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। वंडरवॉल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक का नाम होता है डाइपोल डाइपोल, नेक्स्ट वन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, अगला नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो यहां पर जो Cl2 मॉलिक्यूल है क्लोरीन नॉन पोलर है और जब दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो वहां पर पाया जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसका दूसरा नाम लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है, जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें से सबसे वीक टाइप का फोर्स लंदन डिस्पर्जन है, तो यहां पर ये वंडरवॉल का ही टाइप है जिसके अंदर अप्लाई हुआ है और उस लंदन डिस्पर्जन फोर्स की वजह से ये जुड़े हैं, जैसा मैंने कहा सबसे वीक टाइप का फोर्स है तो मोनो मॉलिक्यूल आपस में काफी डिस्टेंस पर है और अगर डिस्टेंस ज्यादा है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये रेडियस सबसे बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा वाला रेडियस निकल जाता है वंडरवॉल रेडियस कहलाता है। जनरल कहा जाए तो जो वंडरवॉल रेडियस है कोवेलेंट रेडियस का 2 times हो सकता है और बाकी तीनों रेडियस में कंपेयर करें तो देखो हम क्या कहेंगे, तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था कोवेलेंट क्योंकि उसके अंदर ओवरलैपिंग हुई थी, अगला नंबर मेटलिक टच किए हुए थे, अगला नंबर वंडरवॉल दूर दूर थे, डिस्टेंस जितना ज्यादा रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी, सबसे वीक वंडरवॉल फिर मेटलिक और फिर स्ट्रॉन्ग, अगर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग था तो डिस्टेंस सबसे कम, मेटलिक की डिस्टेंस ज्यादा वंडरवॉल की डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसी वजह से कहा जाता है सबसे बड़ा रेडियस वंडरवॉल, उसके बाद मेटलिक और उसके बाद कोवेलेंट। तो अभी तक जो हमने डिटेल डिस्कस की है ये बेसिकली इसी काम आती है कि हम अलग अलग टाइप के बॉन्ड जो है उनको एक्सप्लेन कर पाए, सबसे बड़ा रेडियस होता है वंडरवॉल, उसके बाद आता है मेटलिक और उसके बाद आता है कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट वन कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस, चार टाइप के रेडियस बोले गए, नॉन मेटल्स के बीच में पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल्स के बीच में मेटलिक बॉन्ड, इनर्ट गैसेस के बीच में वंडरवॉल, और अब जो फोर्थ वाला टाइप है एक मेटल और एक नॉन मेटल उनके बीच में जो पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो दो टाइप के आयन, एक तो बनेगा केटायन और एक बनेगा एनायन, केटायन की रेडियस जिस वन इज केटायनिक रेडियस और अगले वाले का नाम एनायनिक रेडियस। चलिए सबसे पहला केटायनिक रेडियस, जब इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो बनता है उसको हम नाम देते हैं केटायन, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज ऑक्यूपाई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, जब एटम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स से कोई चेंज नहीं आया, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 प्रोटॉन्स भी 11, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे 11 प्रोटॉन्स अवेलेबल है,
पर सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तब उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बचा 10, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स अवेलेबल है 11। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया तो न्यूक्लियस जो है वो उन्हें ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस के खींचने की पावर बढ़ जाएगी, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को जितना ज्यादा खींचेगा उनके बीच की डिस्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी और डिस्टेंस कम होने का मतलब रेडियस कम हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। साइज ऑफ केटायन जेड इफेक्टिव यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ कैसा रिलेशन बोला गया, इनवर्स। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा केटायन का रेडियस उतना ही कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन था +2 और +3, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ा, रेडियस का वैल्यू कम हो गया। लेड +2 +4, दिस वन इज प्लम्बस, दिस वन इज प्लम्बिक, फेरस फेरिक, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रेडियस का वैल्यू उतना ही कम। मैग्नीज 0 +2 +3 +4 +5 +6 +7, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रेडियस का वैल्यू उतना ही कम। तो क्या कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज यानी जेड इफेक्टिव के साथ केटायन की रेडियस का कैसा सीक्वेंस बन गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा टाइप नाम दिया गया एनायनिक रेडियस, जब इलेक्ट्रॉन निकाला था तो केटायन बनाया था, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे एनायन बनाएंगे, वहां पॉजिटिव चार्ज आया था तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज रखने वाली जो स्पीशीज होती हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, एनायन। अच्छा, आप एनायन बनाते टाइम क्या चेंज आया जरा इसकी बात करें। केटायन बनाते टाइम हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था, एनायन बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी 9 है। अब अगर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से बढ़कर हो गए 10, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स अभी भी 9 है। अब बाहर की तरफ पहले जो 9 इलेक्ट्रॉन थे उसके जगह पर अब 10 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पहले अगर आप एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी मानते तो भी 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे होते, पर अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से एक को आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी बना देंगे तो भी बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। अंदर के इलेक्ट्रॉनों की वजह से लगने वाला रिपल्शन बढ़ गया, अगर रिपल्शन बढ़ गया बाहर की तरफ धकेलेगा, खींचने की पावर कम हो जाएगी, और अगर धकेले लगेगा तो साइज बढ़ने लगेगा। केटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा तो केटायन का रेडियस कम, और एनायन का जेड इफेक्टिव कम तो एनायन का रेडियस ज्यादा। तो यहां पर हम ऐसा बात कर रहे थे फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9। अब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोरीन जो था वो कन्वर्ट हो गया F- में। फ्लोरीन के पास प्रोटॉन जो थे वो पहले 9 थे, प्रोटॉन तो अभी भी 9 है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले 9 थे वो बढ़कर अब हो गए 10। अच्छा, यहां पर जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जो हम तरीका काम में ले रहे हैं, एक टर्म है जिसको नाम दिया है Z/E, दिस वन इज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से, प्रोटॉन्स का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट इज जेड। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ये वाली टर्म भी जेड इफेक्टिव को कंपेयर करने के काम में आ जाती है। जेड इफेक्टिव की एक्जैक्ट वैल्यू तो उसी फॉर्मूले से निकलेगी जहां से स्लेटर का रूल अप्लाई होता है, पर कंपेयर अगर करना है एक ही एटम के बने हुए आयंस हो या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो उनके लिए जेड इफेक्टिव पूरा ना निकाल के सिर्फ Z/E से कंपेयर किया जा सकता है। तो यहां पर Z/E 9/9 1 आया, यहां पर Z/E 9/10 0.9 आया। क्या कहेंगे, 1 से हो गया 0.9, मतलब कहेंगे कि इसके लिए जो जेड इफेक्टिव है उसका वैल्यू हो गया कम, और अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो हम कहेंगे कि जो साइज है, अगर न्यूक्लियस के खींचने की पावर कम हो गई तो साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाएगा कि F- का साइज फ्लोरीन एटम के रेस्पेक्ट में बड़ा होता है। तो क्या कहा जा सकता है, केटायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम के रेस्पेक्ट में छोटा और एनायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम के रेस्पेक्ट में बड़ा होता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे रिपल्शन की पावर ज्यादा होगी तो साइज जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर साइज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर साइज कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर एक और टर्म जिसको हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम, तो नाम बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तरीका भी जेड इफेक्टिव के हिसाब से, जेड इफेक्टिव का तरीका देखो किस तरह से लिया, K+, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम 20, सल्फर 16 और क्लोरीन 17। ये सारे के सारे कोशिश करेंगे अपने पास में पाए जाने वाली इनर्ट गैस के जैसा बन जाए। इन सबके आसपास जो पाई जाने वाली इनर्ट गैस है वो कौन सी है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। 19 था, एक निकाल दिया, चार्ज आ गया +1, 20 था, दो निकाल दिए +2, 18 हो गया, 16 था, दो ऐड कर लिए 18 हो गया, क्लोरीन था 17, एक ऐड कर लिया 18 हो गया। आप देख सकते हो सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं उसी टर्म को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हुआ मतलब सभी के अंदर रिपल्शन लगाने वाले तो सेम है पर न्यूक्लियस के खींचने की पावर अलग है। यहां पर 19 प्रोटॉन्स, 20 प्रोटॉन्स, 16 प्रोटॉन्स और 17 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जितने ज्यादा, खींचने की पावर जितनी ज्यादा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा, साइज उतना ही कम, और खींचने की पावर जितनी कम साइज उतना ही ज्यादा। इसलिए जिस पर पॉजिटिव ज्यादा होगा उसका साइज सबसे कम, फिर K+, फिर Cl- और फिर S-2। नेगेटिव ज्यादा साइज बड़ा, पॉजिटिव ज्यादा साइज छोटा। जैसे कि ये सब तो बने थे आर्गन जैसे, ये जो स्पीशीज यहाँ पर हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, एल्युमिनियम हो जाएगा 13, फ्लोरीन है 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 7। सब कोशिश करेंगे अपने पास में पाई जाने वाली इनर्ट गैस के जैसा बन जाए, और इन सबके आसपास जो मिलने वाली इनर्ट गैस है वो है नियोन। तो ये सब नियोन जैसा कॉन्फिगरेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 7 था, 3 ले लिए, 8 2 ले लिए, 9 था, 1 ऐड किया, 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिए, 3 निकाल दिए। सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब इन सब का कॉन्फिगरेशन कौन सी इनर्ट गैस के जैसा बन गया, नियोन। आप कंपेयर करेंगे तो तरीका वही, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही कम, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतना ही ज्यादा। तो एनायन पर नेगेटिव बढ़ने पर साइज बढ़ता है और केटायन पर पॉजिटिव बढ़ने पर साइज कम हो जाता है। तो हमने अभी अलग अलग टाइप के लिए रेडियस डिफाइन किए और उन रेडियस के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। आगे अप्लाई करते हैं, जो अपन बात कर रहे थे आयनिक रेडियस के बारे में, क्वेश्चंस देखो कैसे बन के आते हैं। इनमें से आयनिक रेडियस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट वन आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा साइज कम होगा, मतलब ये वाला ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया। दूसरे वाले को देखें, ये सब एक इनर्ट गैस के बराबर है, कौन सी इनर्ट गैस के बराबर हो गए, आर्गन। सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अगर ये सभी आर्गन के बराबर है
जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, और जेड इफेक्टिव कम तो उसका रेडियस सबसे ज्यादा, हाईएस्ट पी माइनस थ्री एस माइनस टू सी एल माइनस। बाकी को भी डिस्कार्ड कर दें, पोटेशियम प्लस ये है आर्गन जैसा, और एन ए प्लस और एम जी प्लस टू ये है नियोन जैसे, आर्गन का रेडियस बड़ा होना चाहिए, मतलब दिस वन इज इनकरेक्ट। अगले में चेक करें ओ माइनस टू और एफ माइनस, जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज भी ज्यादा, और एफ माइनस को बड़ा किया इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन लिखा है उसको चेक करें। क्वेश्चन में कहा गया कि आपको, क्वेश्चन ने दिया है के प्लस और एफ माइनस दोनों का रेडियस लगभग बराबर है और वैल्यू दी गई है 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो हमें बताना है कि पोटेशियम और फ्लोरीन का रेडियस क्या होगा। कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन ने जो हमें दिया कि के प्लस और एफ माइनस दोनों का रेडियस बराबर है 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो हमें यहां पर बताना है के का क्या होगा और एफ का क्या होगा। कंपेयर करें के प्लस एंड के, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, मतलब क्या कहेंगे, पोटेशियम का साइज ज्यादा और के प्लस का साइज कम होगा। के प्लस का साइज हमें यहां पर दिया है 1.34, तो पोटेशियम का साइज इस एटम से तो बड़ा ही होने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें एफ और एफ माइनस, एफ माइनस एक एनायन बना, जब भी एनायन बनता है नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, तो एफ और एफ माइनस में से किसका रेडियस बड़ा हुआ, एफ माइनस, और अगर एफ माइनस का रेडियस हमें दिया था 1.34 तो जो फ्लोरीन है उसका रेडियस इससे कम होगा, तो पोटेशियम का रेडियस इस वैल्यू से ज्यादा जो कि दिया है 1.94, और फ्लोरीन का रेडियस इससे कम जो कि दिया है 0.72, तो आंसर विल बी थर्ड। तो जनरल तरीका वही, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ता जाएगा।